सो टॉपिक था लास्ट टाइम का हमारे पास एडसॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था हमने, कुछ पॉइंट्स की स्टार्टिंग हम कर चुके हैं। एडसॉर्प्शन की बेसिक डेफिनेशन, डिफरेंस एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में, उसका कॉज क्या था, अनयूटिलाइज्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फिर बात हुई थी थर्मो को लेकर, डेल्टा जी को लेकर। फिर फिजिकल वर्सेस केमिकल एडसॉर्प्शन, दो टाइप्स, दो कैटेगरी थी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फ्रेंडिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको लेकर ये जो टॉपिक बना हुआ है आज की, स्टार्ट यहां से स्टार्टिंग करेंगे हम आगे बढ़ते हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी काफी बार क्वेश्चन इसमें से आता है, सीबीएसई में भी और कंपटीशन में भी। So, अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिएगा, फ्रेंडिज आइसोथर्म या फ्रेंडिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर मैं बताता हूं किसके अंदर फंडा क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है, उसकी बात करते हैं। So, जो मेन हेडिंग है वो इतना नोट कर लीजिएगा। हेडिंग पर से बता दीजिए। फ्रेंडिज आइसोथर्म या फ्रेंडिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, कोई होगी इसी से कंसर्न नहीं है हमारा। समझते हैं, अभी के फ्रेंडिज साहब ने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि किसको डील कर रहे होते हैं, गैसेस ओवर सॉलिड, गैसेस एडसॉर्ब ओवर सॉलिड्स, ये मेन टॉपिक है जो सिलेबस डिमांड करता है। तो एडसॉर्प्शन और प्रेशर, इन दो के बीच का रिलेशन, उसकी बातचीत की गई। पॉइंट ये कहता है कि जो एडसॉर्प्शन की टर्म है, ये बोलने में तो ठीक हो गया, समझ आ गया हमें कि कितने सब्सटेंस एड्सॉर्ब होगा, पर इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए। प्रेशर तो ठीक है, 1 atm, 2 atm, 3 atmosphere, 4 atmospheric प्रेशर चल जाएगा, लेकिन एड्सॉर्प्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो एड्सॉर्प्शन को एक्सप्रेस किया गया बाय यूजिंग टर्म x/m। अब क्या चीज है ये x/m, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, रादर ये जो पूरा कंसेप्ट था ये कैसे यूज किया गया उसको देखते हैं हम। मेरे पास चारकोल है, मान लीजिए 2 ग्राम या 1 ग्राम कह लीजिए, और इजी रहेगा कैलकुलेशन वाइज, 1 ग्राम चारकोल। मैंने क्लोरीन गैस जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, वो मैंने रखी हुई है। सो एट ए पर्टिकुलर प्रेशर P1 से दिस 1 atm, मैंने क्या देखा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास 1 ग्राम चारकोल था जो मैंने इनिशियली इसमें ऐड किया था इस कंटेनर में। अब क्लोरीन गैस प्रेजेंट है एट प्रेशर ऑफ 1 atm, मैंने कुछ देर पड़े रहने दिया, कुछ देर के बाद लगा कि हर चीज स्टेबलाइज हो गई है, इक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है। इक्विलिब्रियम किस चीज में, बिकॉज सम ऑफ दी गैस पार्टिकल्स, कोई भी गैस हो सकती है, जब कोलाइड ओवर दी सरफेस आएंगे, अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे सरफेस के साथ, उसमें से भी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्टिकल्स एस्केप कर जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड, सो नेट चेंज उसके बाद 0 हो गया। तो जब मुझे लगा कि अब हाँ भाई सिस्टम स्टेबलाइज हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया है, मैंने फटाफट चारकोल को दोबारा वे किया, मान लीजिए मुझे रिजल्ट मिला 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम। तो क्वेश्चन कहता था कि जो 0.1 ग्राम है वो किसकी वजह से है। सो नेचुरल सी बात है, 0.1 ग्राम जो इंक्रीज हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन एडसॉर्ब्ड, या कोई जो भी गैस थी वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है
इसको नाम दिया गया है x का, तो x by m for this particular case is 0.1, m is the mass of charcoal, x is the mass of adsorbate adsorbed at equilibrium stage. तो कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ किसका, एड्सॉर्बेट का, गैस का, उसको x के नाम से रिप्रेजेंट किया गया और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. तो बेसिकली x by m क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिसको भी ये कहा करते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट है जिससे हम x by m को फाइंड आउट करते हैं. अब इसी डायग्राम को बना लीजिएगा, ये आपको आइडिया दे देगा. सो 1 ग्राम से 1.1 ग्राम, After adsorption, पहले 1 ग्राम था, after adsorption 1.1 ग्राम बन गया. तो वो जो 0.1 ग्राम है, it is the amount of adsorbate. X उसको शो कर रहा है. ये क्या है, charcoal adsorbent. तो अच्छा, फ्रेंडली साहब ने क्या किया, फ्रेंडली साहब ने धीरे धीरे इस प्रेशर को इंक्रीज किया. 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, ऐसे करते गए और हर स्टेज पे कुछ समय दिया, इक्विलिब्रियम स्टेबिलाईज़ होने दिया, x by m की वैल्यू निकाल ली. तो एक तरफ उनका x by m का कॉलम था, एक तरफ प्रेशर का कॉलम था. सो प्रेशर 1, 2, 3, 4, ऐसे x by m की जो वैल्यूज आई उसको नोट कर लिया. सो उनको लेकर ग्राफ ड्रॉ किया. तो उन्होंने कई कॉम्बिनेशन ऐसे लिए, उनके ग्राफ ड्रॉ किए, तो एम्पेरिकली एक रिजल्ट में दे दिया, विच इज गिवन द नेम फ्रेंडिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. उसको नाम दिया गया है फ्रेंडिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, जिसको लेकर हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ये तरीका था, टारगेट था हमारे पास इसके लिए. एक और चीज क्लियर कर दूं मैं, देखिए फ्रेंडिज की बात, कई साइंटिस्ट और आए लैंगमुइर वगैरह, उन्होंने बेटर रिजल्ट दिए, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो शुरुआत में स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर साहब का नाम हमेशा आता है. ठीक है, चाहे उनकी सारी बातें सच नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट उनको मेंशन किया जाता है. स्टार्टिंग पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वैसे ही यहां पर फ्रेंडिज साहब ने, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, उसके बाद वाले साइंटिस्ट ने चीजों को बेटर वे में डिस्क्राइब किया, बट एक स्टार्टिंग उन्होंने कर दी थी. तो हमारी एनसीईआरटी बुक ने फ्रेंडिज, जो सबसे हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसके टॉपिक को लेकर यह दिया हुआ है. जितना दिया हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं. सो हमारा पर्पज क्या है, फ्रेंडिज साइंटिस्ट का नाम, एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्ब होना, आइसोथर्म, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स सेम, सेम टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इसको स्टडी करना, एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर को स्टडी करना. ये है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो चेक करने जा रहे हैं. अच्छा, अब जब डिफरेंट केसेस को स्टडी किया फ्रेंडिस साहब ने, तो एक ग्राफ सा मिला हमको. XYM और इस तरफ उनके पास था प्रेशर. जो ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके का था. अब ये ग्राफ को शो किया उन्होंने एक मैथमेटिकल एम्पेरिकली, कोई उन्होंने उनके पास डेरिवेशन नहीं थी, बट ऑब्जर्वेशन बेस्ड कई कॉम्बिनेशन लिए, गैसेस लिए, सॉलिड लिए, उनके ग्राफ ड्रॉ किए, उसके बेसिस पे एक इक्वेशन दे दी. और इक्वेशन क्या आती है उनकी, x by m is equal to k p 1 by m. x by m एड्सॉर्प्शन को शो कर रहा है, p प्रेशर को शो कर रहा है. अब k और n दो नई चीजें हैं जिनके बारे में पता करना है कि आखिर है क्या चीज, इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको लेकर. एक और बात, फ्रेंडिस साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि नेचुरल बात है उस समय
लिमिटेशंस थी, एक्सपेरिमेंट्स की कंडीशंस की, तो उन्होंने एक बड़े लिमिटेड से रेंज ऑफ प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। और ऐसे केस में उन्होंने ये ग्राफ हमें दे दिया, और इस केस में बाद वाले साइंटिस्ट ने इसी ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड किया। उन्होंने इस ग्राफ को कैसे एक्सटेंड किया, उन्होंने ये बताया कि एट लो प्रेशर एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी पावर वन, यानी कि वन बाय एन इज इक्वल टू वन। लो प्रेशर पे जो वन बाय एन है ये वाला, इसकी वैल्यू वन हुआ करती है, जिसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर वन। जैसे हमने कहा था ना फर्स्ट ऑर्डर वाला केस, कि जैसे जैसे एक सीक्वेंस पड़ेगा एक वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे लीनियर वे में दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, कि जैसे जैसे आप रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आर ओ आर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल उसी बेसिस पे यहां पर क्या लिखा गया कि विद इंक्रीज इन प्रेशर देयर इज इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन, एक्स बाय एम इंक्रीज कर रहा है एट लो प्रेशर। और ये भी प्रूव किया बाद में साइंटिस्ट ने इसी को ग्राफ को एक्सटेंड करते हुए, दैट आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रेशर जिसको हम पी एस कहते हैं, नाम दिया जिसको, ये कहा गया कि एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी जीरो, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू के ओनली, दैट मीन्स वन बाय एन इज जीरो। और ये जो बीच वाला पार्ट था जिसके लिए लिखा गया वन बाय एन इज बिटवीन वन एंड जीरो, तो फ्रेंडी साहब का जो मेन डिस्कशन थी वो इस वाले ग्राफ के बारे में थी। बाद में उसी ग्राफ को एक्सटेंड किया बाकी साइंटिस्ट ने और रिसर्च ऐड करते हुए, क्या बताया हमें कि इवन दिस इक्वेशन जो उन्होंने कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए अप्लाई की थी उसी को एक्सटेंड कर दिया, कि इवन वी कैन जस्टिफाई दिस बिहेवियर एट लो प्रेशर, जहां पर आप ये कह सकते हो कि 1 बाय एन को 1 लेकर आप बता सकते हो देयर इज लीनियर वेरिएशन, कि जैसे जैसे ग्राफ ऐसे मिलता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा लीनियर फॉर्म में एक्स बाय एम बढ़ गया, बट एट हाई प्रेशर क्या होता है, अब प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन एक्स बाय एम नहीं बढ़ रहा, एक्स बाय एम की वैल्यू कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को के का नाम दिया गया। तो ये जो के है वो इस कांस्टेंट को शो करता है, ये जो वन बाय एन है वो इस तरह के पॉइंट्स को शो कर रहा है, वैल्यू को शो कर रहा है कि पावर से किस पावर से रेज किया जाए प्रेशर को, उसको शो कर रहा है। ऑब्टेन कैसे करते हैं आगे बता रहा हूं आपको मैं, लेकिन जो ओवरऑल फ्रेंडली सब का ग्राफ था उसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया, एट वेरी लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, और ये नॉर्मल जो रेंज होती है बीच वाली उसको लेकर देखते हैं एक बार। फ्रेंडिज आइसोथर्मल एक्सपीरियंस दी बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर, तो जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रेंडिज के पास कोई इन सारे बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन नहीं था, बाद वाले साइंटिस्ट ने दिया, चाहे वो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसको बता दिया करता हूं कि आपको क्लैरिटी हो कि जो इस तरह का अजीब सा बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर मिला, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, इसको फिजिकली कैसे समझा जाए। फ्रेंडिज ओरिजिनली नहीं दे पाए थे, बाद वाले साइंटिस्ट ने बताया था। सो इक्वेशन ये हमारे पास, द फैक्टर 1 बाय n कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, आमतौर पे मेजॉरिटी केस में रेंज क्या होती है 0.1 टू 0.5, मेजॉरिटी केस में रेंज 1 बाय n की जो होती है दैट इज 0.1 टू 0.5, बट इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1 जैसे मैंने शो किया। अब लो प्रेशर पे x बाय n इज इक्वल टू kp p पावर 1, यानी कि 1 बाय n इज इक्वल टू, एट हाई प्रेशर kp पावर 0, तो लो प्रेशर पे 1 है, हाई प्रेशर पे 0 है, और बीच में 0 और 1 के बीच में है 1 बाय एन।
तो ये ग्राफ उसी बात को शो करता होगा। और इस पी को एक नाम दिया गया है सेचुरेशन प्रेशर, ये ग्राफ ऑलरेडी बुकलेट में है, चिंता मत कीजिएगा। सेचुरेशन प्रेशर क्यों नाम दिया गया बताऊंगा अभी आपको मैं। तो ये फ्रेंडिस आपकी जो रिसर्च थी वो इस तरह से ग्राफिकली शो हुई। अब इस पूरे ग्राफ में से के को कैसे ऑब्टेन किया जाए, एन की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, फाइंड आउट किया जाए फॉर ए गिवन केस, तो वो उसके लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ती है जो मैं आगे शो करने जा रहा हूं। मैं ग्राफ ये वाला तो बना हुआ है लेकिन ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में है आपके पास है, लेकिन मैं अगले वाला भी ड्रॉ करने वाला हूं। अच्छा, अब ये पार्ट था हमारे पास। अब इसको इतने पार्ट को नोट कर लीजिएगा, ये वाला तो मैं पहले नोट करवा चुका हूं मैं, ये वाला साइड। सो तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हुए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये इंटरमीडिएट मॉडरेट प्रेशर। सो इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। ये पीएस एक एब्रीवेशन है, बताऊंगा कैसे आती है। देख ले क्या कुछ है। हाँ अनुष्का, N2 question 10. What is the effect of pressure on the gas of the gas on adsorption, or what is adsorption isotherm? Describe Freundlich adsorption isotherm. Answer: adsorption isotherm, a plot of the amount of gas adsorbed x by m against the pressure at constant temperature is called an adsorption isotherm, where x is the mass of the gas adsorbed on mass m of adsorbent at pressure p. Okay. So kya mention kiya gaya? X is the mass of gas adsorbed. जो adsorbent है, उसका कितना amount adsorb हुआ किसके ऊपर, और mass m of the adsorbent at a particular pressure p का नाम दे दिया गया। और इस केस में isotherm क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हम constant temperature पे, fixed temperature पे ये study कर रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई कि किस तरह के graph की बात की जा रही है। आगे Freundlich adsorption isotherm. Freundlich in 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature. The relationship can be expressed by the following equation: x by m is equal to Kp 1 by n. Ab yaad rakhiye, it is empirical relationship, observation based. So koi derivation hi ki hai, halanki baad wale scientists ne, Langmuir wagera jo baad mein scientists aaye hain, unhone derivation bhi apni ki hai, jo unki equation kuch alag thi, उन्होंने उसकी डेरिवेशन की थी, लेकिन यह एम्पिरिकली प्रणी साहब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके डेटा को स्टडी किया, उसके बेसिस पे ये इक्वेशन दी थी। आगे बोलो। Freundlich isotherm explains the behavior of adsorption in an approximate manner. The factor 1 by n can have values between 0 and 1. The probable range is 0.1 to 0.5. Yeah. So it explains the behavior in approximate manner. हम ये नहीं कह सकते कि बहुत accurate था, बहुत बढ़िया आंसर था, लेकिन anyhow एक शुरुआत तो थी, वो उन्होंने efforts किए। अब कैसे value निकाली जाती है, मैं उस पे आने वाला हूं। मैं ये देखिएगा, taking log on both these sides. अब किस चीज का log है, क्लियर कर दूं, इक्वेशन क्या आई थी, x by m is k p 1 by n, लो प्रेशर पे 1 by n is 1, वेरी हाई प्रेशर पे 1 by n is 0, काम खत्म हो गया, लेकिन बीच में तो कुछ m की वैल्यू होगी ना, तो वो m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसका तरीका बताया गया, log x by m log k मल्टीप्लाई n, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस log p 1 by n, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, 1 by n को बाहर लिया है, एडवांटेज फिर वही जो हमारा चला रहा है, y is equal to mx plus c। So, जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम भी कहा था,
कैनेटिक्स में भी है, इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री वालों की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए क्योंकि उसको हैंडल करना सबसे आसान हमारे लिए। तो अब ऐसे केस में वाई एक्सिस पे लॉग एक्स बाई एम, ठीक है, एक्स पे लॉग बी, स्ट्रेट लाइन है ऑफकोर्स, और स्लोप क्योंकि प्लस है पॉजिटिव है, तो वैसे इसमें जो लाइन मिलती है कुछ इस तरीके की। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या शो करेगा, लॉग बी, और जो स्लोप आएगी तो स्लोप से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जहां कट कर रहा है वाई एक्सिस पे लाइन उसे के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसको सॉल्व करते हुए। तो ये चीज मेंशन की गई है यहां पर। बोलो, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन x by m is equal to k into p raised to the power 1 by n, we get log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. Thus, if we plot a graph between log x by m and log p, a straight line will be obtained. The slope of the line equal to 1 by n and the intercept on log x by m axis will correspond to log k. Therefore, from this graph, it is possible to find out the value of k and m. So simply हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, वही y = mx + c वाला फंडा अप्लाई किया हमने, इंटरसेप्ट से log k आ जाएगा, उससे k फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप से 1 by n आ रहा है उससे n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो मिलते हैं हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में। ये ड्रॉ कर लीजिएगा, this equation holds good over a limited range of pressure. When 1 by n is equal to 0, x by m is equal to constant, the adsorption is independent of pressure. When 1 by n is equal to 1, x by m is equal to k, p, therefore x by m is directly proportional to p, the adsorption varies directly with pressure. Both the conditions are supported by experimental results. The experimental isotherms always seem to approach saturation at high pressure. This cannot be explained by Freundlich isotherm, thus it fails at high pressure. Right. So experiment ने बड़ा clear किया कि Freundlich ने जो कहा ठीक है, but at initial phase, at low pressure, क्या देखा जाता है? X by m is directly proportional to pressure. कि आप जिस रफ्तार से pressure increase कर रहे हो, उसी रफ्तार से adsorption X by m भी increase कर रहा है। लेकिन एक pressure के बाद, एक stage के बाद, एक value के बाद क्या देखा गया, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन एक्स बाय एम, जिसको सैचुरेशन का नाम दिया गया, राइट। सो ऐसे केस में 1 बाय एन एक्स बाय एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडसॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा उसको। सो ये रीजन था। अब ये सारी बातें ना फ्रेंडली साहब को नहीं पता थी, या उन्होंने ये कह लीजिएगा इतने रेंज तक उस समय इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो इतने हाई प्रेशर वाला, तो इसलिए उनके पास ना इस तरह का आंसर था ना इसकी इस तरह की नॉलेज थी, ये तो बाद में धीरे धीरे ऐड हुए। तो ये था हमारे पास जो फ्रेंडली साहब का कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा इसको समझ लें कि आखिर ये जो बिहेवियर मिला इसको कैसे जस्टिफाई करें, इसका कंसेप्ट क्या रहता है, समझिएगा। ये मेरे पास एक कंटेनर एड्सॉर्बेंट अब ये जो ऊपर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, वो एक तरह से क्या शो कर रही हैं? अनयूटिलाइज्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, शुरू में सारी सरफेस खाली पड़ी है, अपने प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू किया,
जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस पे अटैच हो रहे हैं। अब प्रेशर बढ़ा रहे हो, मॉलिक्यूल्स और कोलिजन कर रहे हैं, और जुड़ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है। पहले क्या था, 100% सरफेस अवेलेबल थी, खाली थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, शुरू शुरू में तो हुआ, विद इंक्रीज इन प्रेशर एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस, लीनियर वेरिएशन मिला, लेकिन धीरे धीरे नाउ ए पार्ट ऑफ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स। अब इस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, एक्टिव साइड्स हैं, रेजिडुअल फोर्सेस हैं, अब वो तो इतनी अवेलेबल नहीं है ना जितनी पहले थी, इसलिए एडसॉर्प्शन तो बढ़ा लेकिन उस रफ्तार से, उस स्पीड से, उस गति से नहीं बढ़ पाया। पहले तो क्या हो रहा था, अब 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, 4 ATM, बिल्कुल वैसे ही XM, 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम, 0.4 ग्राम ऐसे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि जो एडसॉर्ब होने की एक्सटेंट है वो स्लो हो गई है, एडसॉर्प्शन हो रही है, स्लो हो गई है। क्यों? से मान लीजिए 30% ऑफ सरफेस इज ऑक्यूपाइड, 70% ऑफ सरफेस इज अवेलेबल, पहले 100% सरफेस अवेलेबल थी, फिर धीरे धीरे 70 से 60, 50, 40, 30। अब इसीलिए कि जब जब आप प्रेशर और बढ़ा रहे हो, जो सरफेस अवेलेबल है वो कम होती जा रही है, इसलिए प्रेशर ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन जो आउटपुट मिल रही है वो पहले जैसी नहीं मिल रही, जो एक्स बाय एम की वैल्यू पहले मिल रही थी अब वो नहीं मिल रही, कम मिल रही है। क्यों? सरफेस अवेलेबल ही कम है, क्या कर सकते हो। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब 100% सरफेस ऑक्यूपाई हो गई। अब अगर पूरी 100% सरफेस ऑक्यूपाई हो गई है तो क्या इसके बाद फर्दर इंक्रीज हो पाएगा? नहीं, स्कोप ही नहीं है। सो यही रीजन है कि फ्रेंडिस साहब ने जो रिजल्ट देखा, खैर उन्होंने तो बड़ी लिमिटेड रेंज की बात की थी, लेकिन जो बाकी साइंटिस्ट ने प्रेशर को और इंक्रीज भी किया, तो होता क्या है, हमेशा देयर इज अ सैचुरेशन लेवल, हर बार कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो एक लेवल पे आकर रुक जाता है, बिकॉज उस केस में नो फर्दर एडसॉर्प्शन इज पॉसिबल, 100% ऑफ सरफेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अगर सारी की सारी ऑक्यूपाइड है तो कहां से फिर एडसॉर्प्शन और बढ़ पाएगी, ये चीज मेंशन की गई है। The experimental isotherms always seem to approach saturation at high pressure. तो एक उनका saturation level आ जाता है। So खैर जैसे कहा, फ्रेंडलिस साहब ने इतना high pressure वाले experiment किए ही नहीं थे, तो justify कहाँ से करते हैं? बाकी ये जो हमने graph पहले draw किया था, वो same चीज already show कर चुका हूँ मैं। Intercept से K आ जाएगा, स्लोप से एन आ जाएगा, तो इस तरह से ऑब्टेन किया करते हैं यहां पर। तो ये था हमारे पास फ्रेंडलिस का जो कंसेप्ट, जो मेंशन किया गया एक्स बाय एम को लेकर अलग अलग प्रेशर पे, वो सब चीजें। कोई डाउट हो यहां तक पूछ सकते हो। सो ये तो एक टॉपिक फ्रेंडलिस वाला जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसकी बात की गई। एनसीईआरटी ने ग्राफ और दिया हुआ है, अब ये याद रखिएगा, ये केमिस ऑप्शन वगैरह ये सब बातें तो बड़ी बाद में पता चली साइंटिस्ट को कि इस तरह भी होता है। ये सब जो आम रूटीन में सबसे कॉमन फिजिकल एडसॉर्प्शन वाले केसेस थे जो ऑब्जर्व किए उस समय साइंटिस्ट ने। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने एक और ग्राफ दिया हुआ है, क्या सिग्निफिकेंस है बताने वालों में। क्या देखा था हमने कि फिजिकल एडसॉर्प्शन में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेक कीजिए लास्ट टाइम के नोट्स, एडसॉर्प्शन इंक्रीज हुई थी कि डिक्रीज हुई थी फिजिकल वाले में? हाँ भी, लास्ट टाइम के नोट्स चेक करो। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। फंडा क्या हुआ था कि पार्टिकल्स सरफेस में है, अगर उनकी एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे कैन इजीली ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, उसको तोड़कर अलग हो जाएंगे। इसी बात को शो करने के लिए एनसीईआरटी ने ये ग्राफ दिया हुआ है, ड्रॉ फ्रेंडलिस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज। किसी भी प्रेशर पे, मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मैंने 195 केल्विन पे इस प्रेशर पे स्टडी किया, एक्स बाय एम की वैल्यू ये वाली है। मैंने सेम दोबारा एक्सपेरिमेंट किया
सेम अमाउंट सेम सब कुछ, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूं 244 केल्विन पे वही एक्स बाई एम पहले से कम हो गया। फिर मैंने दोबारा सेम कंडीशन ली, फिर मैंने चेक किया एक्स बाई एम सेम प्रेशर पे 273 केल्विन पे वैल्यू और कम हो गई है। अब ये अपने आप में क्या प्रूफ कर रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्स बाई एम यानी कि एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस कम हो रही है। तो ये जस्ट ग्राफ उसको शो करने के लिए है, उस चीज को बताने के लिए है। सो इंडिकेट किया गया। तो ये हालांकि ये वाला ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन चाहे नहीं आया हो अभी अब तक, लेकिन आ सकता है, सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है और मैंने प्रिंटेड फॉर्म में दिया भी हुआ है, याद रखिएगा। तो पर्पस क्या है कि एस फॉर सेम प्रेशर, प्रेशर सेम है, एस टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्स बाई एम डिक्रीजेस। तो मैंने इस बार प्रेशर को सेम रखा, एक्स बाई एम और टेम्परेचर को लेकर चला हूं मैं, तो क्या हो रहा है सेम प्रेशर ये प्रेशर सेम है तीनों पॉइंट पे, एस टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्स बाई एम डिक्रीजेस। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो एन थ्री क्वेश्चन वन के साथ। इसका कंक्लूजन ये पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा, सेम प्रेशर पे ये मैंने एक्स बाई एम निकाला है, एक्स बाई एम एट 195 केल्विन, एक्स बाई एम एट 244 केल्विन, एक्स बाई एम एट 273 केल्विन, एक्स वैल्यू वैल्यू कम होती जा रही है, लोअर होती जा रही है। ठीक है, क्लियर है फंडा? यस सर। देखिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, हाँ है बहुत सारे वो बात अलग है, लेकिन अपने हमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े टेंशन वाला टॉपिक को, बड़ा हैवी टॉपिक है, कुछ भी ऐसा है। अब इस केस में कहा गया एक्सप्लेन एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे हमने सॉलिड और गैस की बात की है, वैसे ही सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट इनकी बात भी कर सकते हैं हम, उसी को लेकर बात की गई है। और आप देखोगे प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। कैसे? एक इक्वेशन थी हमारे पास एक्स बाई एम इज के पी वन बाई एन, ये क्या था गैस ओवर सॉलिड। अब क्या है सॉल्यूशन सॉलिड, अगर मैं किसी सॉल्यूशन में सॉलिड ऐड कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा एक्स बाई एम इस के, गैस के लिए बात करते हैं प्रेशर की, सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की सी वी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी वी, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो वो पी क्या था प्रेशर ऑफ गैस, सी क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर चारकोल सॉलिड जो भी प्लेस किया गया। इक्वेशन थी हमारे पास लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू वन बाय एन लॉग पी प्लस लॉग के, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी सेम चीज। log x by m 1 by n p की जगह क्या आ जाएगा c प्लस log k। तो बड़े सिमिलर सा बिहेवियर है, कोई
खास अलग सी बात नहीं है, चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ भी सुनाओ मिस्टर। Explain adsorption from solution. Answer: The process of adsorption can take place even in solutions. Freundlich's equation approximately describes the behavior of adsorption from solution, with the difference that concentration of the solution is taken into account. Therefore, x by m is equal to kc raised to the power 1 by n, where c is the equilibrium concentration. Therefore, when adsorption is complete, on taking logarithm of the above equation, we have log x by m is equal to log k plus 1 by n log c. Plotting log x by m against log c, a straight line is obtained which shows the validity of Freundlich isotherm. Okay, so bilkul same thing, sirf with one difference, instead of pressure we have to use the molar concentration of solution. Bas itna karna padta hai, baki sara format same hai jo pehle. To n3 question 3 mein चाहिए सब कुछ दिया हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में, फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि एन थ्री क्वेश्चन थ्री लिखकर ये नोट कर लीजिए। ये गैस इन गैस ओवर सॉलिड है, ये सॉल्यूशन ओवर सॉलिड। एन थ्री क्वेश्चन फोर। When aqueous solution of acetic acid is shaken with charcoal, the concentration of this acid decreases in the solution. Why? राइट अब समझेगा, मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरे पास वन मोलर एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट था, ठीक है, मैंने थोड़ा सा चारकोल बीच में ऐड कर दिया, थोड़ा सा चारकोल ऐड कर दिया। अब क्या देखता हूं कि कुछ देर के बाद जब मैंने चेक किया उस सॉल्यूशन को लेकर, उसकी मोलैरिटी चेक की, तो मुझे 1 मोलर नहीं मिली, क्या देखा गया, सेट बिकम 0.75 मोलर। तो पॉइंट ये आता है कि ये वैल्यू डिक्रीज क्यों हो गई है, एसिडिक एसिड कहां गायब हो गया, कहां चला गया, कुछ नहीं हुआ। दीज मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ चारकोल, सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए हैं चारकोल के, इसलिए कंसेंट्रेशन कम हो गई है। आंसर बोलो। आंसर, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, अ पार्ट ऑफ द एसिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल, हेंस द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। सो यही बस फंडा है यहाँ पर जो वैल्यू कम हुई है, बिल्कुल ऐसे ही हमने गैसेस के बारे में लास्ट टाइम मैंने कराया था जब ये कहा था कि प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन कंसेप्ट, कि अगर आप एक कंटेनर में क्लोरीन गैस है, आपने चारकोल डाल दिया, तो क्या देखोगे, प्रेशर पहले जो 100 mm था वो 75 mm हो गया, क्यों, कहां गए मॉलिक्यूल्स, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए, चारकोल पे एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो गए हैं। अब वही हाल एसिडिक एसिड का भी है, अब एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए हैं, इसलिए सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड कम हो गया, सो वो फिर responsible है for lower concentration. तो ये एक point में मिलता है इस topic को लेकर, ठीक। हालांकि बताऊं मैं, देखिए होता क्या है, competition वाले क्या करते हैं, JEE वाले खास तौर पे, जैसे ये NCERT का अपना topic है, वो इसके ऊपर ना वो data देकर उसको numerical की form में convert कर देंगे। Even जो graph हमने देखा NCERT में नहीं है, CBSE में नहीं आता, जो graph वगैरह भी हमने देखा था, मैं जैसे एक idea दे रहा हूं आपको मैं कि competition वाले कैसे एनसीईआरटी की बातों को मॉडिफाई करते हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। क्या कह दिया उन्होंने कंपटीशन में, व्हेन वी ड्रॉ लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी, वी गेट अ लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू 0.3 ऐसे बना रहा हूं मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, चलो एन फाइंड आउट कर लो, सो वी गेट अ स्लोप विद 1.2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो जो भी इस तरह का जस्ट बताते हुए, तो वो सेम चीज को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं कहेंगे, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया। ऐसे ही यहां पर इतने ग्राम चारकोल है, इतने से इतना हो गया, तो बताओ एक्स बाय एम की वैल्यू क्या रही होगी, मैथमेटिकली सीबीएसई में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट बताता हुआ कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, यही चीजें एनसीईआरटी की चीजें ही
जो है वो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में थोड़ा एडवांस लेवल की आ जाती है, तो अलर्ट रहना है क्या रहना उसके लिए। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बोलो। इन थ्री क्वेश्चन फाइव, लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम्स कलरलेस, व्हाई? राइट, अब सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, क्या कारण रहा होगा कि जो कलरिंग पार्ट है, कलरिंग मैटर है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या हो गया होगा, चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया होगा। लास्ट टाइम भी कई ऐसे पॉइंट्स मैंने बात की थी, बोल दो। आंसर, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन ओवर चारकोल। राइट, तो सब में कीवर्ड क्या मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, ये कीवर्ड्स को याद रखिएगा। आगे इन थ्री क्वेश्चन सिक्स, कलरलेस MgOH होल ट्वाइस अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट, व्हाई? अब होता क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन इटसेल्फ इज कलरलेस, ठीक है, इसको वाइट कह लीजिए, कलरलेस कह लीजिएगा। अब अगर इसके पार्टिकल्स कहीं पर बने हैं तो क्योंकि कलरलेस है नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम रिएजेंट जो कि ब्लू कलर का है इसको साथ में ऐड कर दें तो क्या होता है कि जैसे पार्टिकल्स बने उसकी सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम रिएजेंट प्रेसिपिटेट हो गया, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उस केस में जो रिएजेंट है उसके लिए आपको लग जाएगा, पता जाएगा हमें ये प्रेसिपिटेट बना, जो पहले कलरलेस था अब वो कलर की फॉर्म में नजर आ गया। बोलो। आंसर, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट ओवर द व्हाइट और कलरलेस प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। So it attains blue color when precipitated in presence of magnesium reagent. इसीलिए तो जो magnesium है वो उसकी सरफेस पे absorb हो गया, absorption की वजह से सरफेस पे कलर नजर आना शुरू हो गया, एकदम पहचान लिया आपने, हाँ ये बना है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो examples हैं एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी ने इसको स्टोरी की फॉर्म में दे दिया हुआ, मैंने हर लाइन को ब्रेक करके क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एग्जाम में जब आएगा तो किसी एक पॉइंट को लेकर आ जाएगा, कोई एक पॉइंट एग्जामिनर चेक कर लेगा कि बाकी आपने कीवर्ड सही यूज किया नहीं किया इसको लेकर, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का लेकर टॉपिक जो था। अब कुछ और एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने बात की एड्सॉर्प्शन को लेकर, क्वेश्चन N4 क्वेश्चन 1, चारकोल कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, कमेंट। राइट, समझते हैं। अभी क्या फंडा क्या होता है कि अब नोबल गैसेस है मेरे पास, केमिकली इनर्ट है, मुझे सेपरेट करना है, मिक्सचर है मेरे पास। अब केमिकल रिएक्शन से तो बड़ा मुश्किल क्यों है, बिकॉज हीलियम नियॉन आर्गन पढ़ चुके हम ग्रुप 18 में पी ब्लॉक में, दे डू नॉट फॉर्म एनी ट्रू केमिकल कंपाउंड, उनका ऐसा कोई रिएक्शन है ही जिसे आप रिएक्शन करके इनको अलग कर लो, बाकियों से सेपरेट कर लो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी यूज द कांसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब है तो ये हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, ज़ीनॉन हो, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर सिंगल एटम है, कोई ईएन डिफरेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमने क्या किया, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर चारकोल के ऊपर सबको एड्सॉर्ब कर दिया। मैं जस्ट एक पिक्चर बना रहा हूं इजी समझाने के लिए। ये मान लीजिए सरफेस ऑफ चारकोल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये एब्जॉर्ब हो गए। ये मैंने पर्पसली इसे साइज वाइज बनाया मैंने। एट वेरी लो टेम्परेचर दीज गैसेस आर एब्जॉर्ब ओवर चारकोल। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। ये जो सिस्टम था जिस कंटेनर में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अब होगा क्या, जिस गैस की एड्सॉर्प्शन लीस्ट है, द वन विच हैज लीस्ट एफिनिटी फॉर सरफेस, जिसकी अट्रैक्शन, जिसका भाईचारा सरफेस के लिए सबसे कम है, सबसे पहले वो उड़ जाएगा, स्किप कर जाएगा, फिर धीरे धीरे और आगे और आगे, और जिसकी अट्रैक्शन मैक्सिमम है वो सबसे एंड में जाएगा। तो बस करते भी हैं कि पहले हमारे पास क्या था, मिक्सचर ऑफ गैसेस, सबको एड्सॉर्ब कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते देखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई गैस इवॉल्व होनी शुरू हुई है, हमने फटाफट इकट्ठा कर लिया उसको। अब बता सकते हो क्या कॉमन सेंस से इनमें से कौन सी गैस सबसे पहले रिलीज हुई होगी? सर हीलियम। ऐसा क्यों सर? हीलियम का साइज छोटा है, वैन डेर वाल्स फोर्स से छोटे है। बात है,
क्योंकि नॉन पोलर, तभी मैंने वर्ड यूज किया था, नॉन पोलर कौन सा अट्रैक्शन शो करते हैं, डिस्पर्शन फोर्स, और डिस्पर्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी पे, पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, साइज पे, तो जितना साइज छोटा पोलराइजेबिलिटी कम, डिस्पर्शन फोर्सेस वीक, एडसॉर्प्शन कम, ये देखा था लास्ट टाइम हमने कि गैसेस विद हायर आईएमएफ दे विल शो मोर फिजिकल एडसॉर्प्शन, तो जिनकी आईएमएफ कम होती है उनकी एडसॉर्प्शन की पावर भी कम होती है, इसलिए हीलियम सबसे कम सरफेस एरिया, नियॉन ज्यादा, आर्गन और ज्यादा, क्रिप्टन और ज़ेनॉन और, तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सबसे पहले कौन सी गैस रिलीज हुई, हीलियम, ठीक है, हमने इकट्ठी कर ली, फिर रिलीज होना बंद हो गया, फिर हमने टेम्परेचर को और धीरे धीरे इंक्रीज किया, सेकेंड नंबर किसका आएगा, नियॉन, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते इनको सेपरेट किया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है इसी बारे में दिया गया है, बोलो, हाँ सर, Answer. A mixture of noble gases can be separated by adsorption on charcoal at different temperatures. It is because of difference in extent of adsorption of gases by charcoal. Next me bol do. N4 question 2. Which inert gas is adsorbed to number 1 least extent, number 2 maximum extent on charcoal surface and why? Answer. Helium, due to its small molecular mass or surface area, has least van der Waals forces of attraction, so it adsorbs to least extent. Number 2, xenon, due to its highest molecular mass or surface area, has maximum van der Waals forces of attraction, so it adsorbs to maximum extent. Okay. So, dono question overlap karte hain, isliye maine kaha padhne ke liye kaha tha maine. So, funda bhi wahi tha. Helium size chota hai. सरफेस एरिया कम है, वन डर वन फोर्सेस कम है, आईएमएफ कम है, एडसॉर्प्शन की एक्सटेंट कम है, ज़ेनॉन सरफेस एरिया मैक्सिमम, एडसॉर्प्शन ज्यादा, फिजिकल एडसॉर्प्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, सो इसी बेसिस पे इनको सेपरेट कर पाए हैं, कोई शंका यहां तक, यस सर, हाँ बेटे N4 question 3. Activated charcoal is used in gas masks by workers in coal mine. Why? Right. ये भाई news आती है, दिल्ली में तो कम हो गई है, लेकिन कई बाकी states वगैरह में आता है कि भी कई जो sewage pipe होती है उसके अंदर labor गई और 2 की death हो गई, 3 की death हो गई. Reason काफी बड़ा क्या होता है? क्योंकि दिल्ली में अब ज़्यादा काम ये मशीनों से होता है, तो इसलिए manual involvement कम होती है, human person की. So, लेकिन बाकी जहां पर होता है उसमें परेशानी वही होती है. इन केसेस में ना, या इन कोल माइंस वगैरह में कई पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट होती हैं, मे बी सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन वगैरह इस तरह की. अब अगर नॉर्मल वे में आप इनहेल कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है वो गैसेस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, सो डेथ में भी दी कॉन्सिक्वेंस. अब उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? ऐसे मास्क लगाए जाते हैं वेयर एड्सॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, तो वहां पर भी इसी एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट यूज किया जाता है. कि कई बार इंग्लिश मूवीज में हम दिखाते हैं कि कई बार टीयर गैस या बाकी कोई गैसेस वगैरह पॉइजनस गैसेस रिलीज की हैं, तो वो जितने पुलिस वाले हैं या बाकी जो है वो मास्क लगा के जा रहे हैं, तो वो मास्क का काम क्या होता है? इसी एड्सॉर्प्शन का, कि जो पॉइजनस गैस है वो एड्सॉर्ब हो गई है, आपने जब इनहेल किया अंदर ऑक्सीजन चली गई, लेकिन जो पॉइजनस गैस है वो उसके ऊपर ही एड्सॉर्ब हो गई है, तो ये उसी पॉइंट को लेकर मेंशन किया गया. बोलो. Answer. This is because activated charcoal adsorbs poisonous gases like carbon monoxide, CH4, etc., which are present in mines. ठीक है. So, क्योंकि question mines के बारे में था, तो वहाँ पर CO और methane वगैरह को खास तौर पे mention किया गया. Charcoal क्या करते हैं? इनको adsorb कर देगा, पर बस solve हो जाएगा. आगे बोलो. N4 question 4. What is an adsorption isotherm and isobar? Answer. A plot of the amount of gas adsorbed x by m against the pressure at constant temperature is called an adsorption isotherm. A plot of the amount adsorbed x by m versus temperature at constant pressure is called an adsorption isobar. Okay.
सो नाम से समझ आ रहा है एडसॉर्प्शन आइसोबार. सो आइसोबार मीन्स प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट. तो एक्स बाई एम और टेम्परेचर को स्टडी करना व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एडसॉर्प्शन आइसोबार हो गया. एक्स बाई एम वर्सेज प्रेशर को स्टडी करना व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल. सो आइसोथर्मल टेम्परेचर के कॉन्स्टेंट होने को इंडिकेट करता है. आइसोबार आइसोबारिक प्रेशर के कॉन्स्टेंट होने को इंडिकेट करता है. जैसे टर्म है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ छोटे टर्म्स है, एक दो बार भी सुनी हुई है याद रहती है. फिर एक चीज और आती है सुटेबल एडसॉर्बेंट फॉर द फॉलोइंग एडसॉर्बेंट. जैसे मैंने कहा था कुछ देर पहले बच्चा पूछ रहा था, तो होता क्या है कि कई हर कंपोनेंट के ना बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजन, वो तो एक रिसर्च के टॉपिक होते हैं, किसने इस पर्टिकुलर गैस को क्यों ज्यादा एडसॉर्ब किया, बाकी को कम क्यों किया. सो लेकिन एनसीईआरटी ने जो चार पांच ऐसे केसेस लिए हुए हैं उनको लेकर ये मैंने फ्रेम किया हुआ है. पहला क्लोरीन गैस चारकोल, मॉइस्चर सिलिका जेल बढ़िया वाटर पेपर्स होते हैं ना, पोल्यूटिंग गैसेस NO2 SO2 वगैरह चारकोल, गैसेस लाइक H2 N2 O2 CO ट्रांजिशन मेटल्स निकल कोबाल्ट वगैरह. तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हैं. फैक्चुअल नॉलेज है, मतलब अगर ये पढ़े बिना मैं अचानक कोई किसी को कहूंगा भी ये वाला मेटल किसको एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, कोई बोलना इलॉजिकल होगा. तो वहां पर ये फैक्चुअल है, लेकिन ये वाली एग्जांपल एनसीईआरटी में दी हुई है. तो जो भी एग्जांपल फैक्चुअल वाली एनसीईआरटी में होती है वो सीबीएसई वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको पढ़ोगे रिटेन करोगे. सो वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल उनको राइट है. So, ये तो बात हुई हमारे पास एक टॉपिक को लेकर. इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है कैटलिस्ट को लेकर, जो हमने पीछे पढ़ा भी था काइनेटिक्स में भी, लेकिन थोड़ा सा और. हालांकि इस चैप्टर में ओरिजिनली कैटलिस्ट को ज्यादा डिस्क्राइब किया गया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सरफेस एरिया, लेकिन वो टॉपिक इस बार क्योंकि डिलीटेड है इसलिए मैं सारा कुछ तो नहीं कवर करूंगा. लेकिन फिर भी कैटलिस्ट की जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह जो हमने थोड़ी सी की थी उसको रिपीट करना जरूर प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये चीजें बड़ी कॉमन सी है, यूनिवर्सल है, काम आई जाती है किसी ना किसी फॉर्म में. और अभी हमने काइनेटिक्स अभी पीछे ही किया है तो ये कोई ज्यादा मुश्किल लगेगा भी आपको, लगेगा रेपिटेशन है, रिवाइज हो रहा है. हाँ बेटे बोलो. N4 क्वेश्चन 6. What is a catalyst? Answer: A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without being consumed in the reaction. The catalyst is recovered chemically unchanged at the end of the reaction. The phenomenon of increase in the rate of the reaction with the help of a catalyst is known as catalysis. Okay. So, rate of reaction ko ROR ko increase karna by use of catalyst, the process is said to be catalysis. क्या करता है? It increases the rate of reaction, but the net amount of catalyst remains same constant. जैसे last time मैंने कहा था, it is consumed in one step and regenerated in some other step, so that the net amount remains same. वही कमाई रहता है. तो ये है catalyst के बारे में बातचीत. So process को लेकर. अच्छा, अब आगे देखते हैं. Just example wise. Next follow question. N4 question 7. Addition of MnO2 to KClO3 enhances its decomposition, but its amount remains same. Comment. Right. KClO3 था, decompose कर रहा था, slow reaction था. हमने MnO2 add किया, बड़ी fast टूटना शुरू हो गया KClO3, बड़ी fast decompose कर रहा है. But net amount of MnO2 वही का वही है. जितना MnO2 डाला था, उतना MnO2 वापस मिल गया, चुपचाप. लेकिन KClO3 की जो डिकम्पोजिशन है उसको फास्ट कर दिया. तो अब ये किस चीज की इंडिकेशन है? देखो, क्योंकि यहां तो टॉपिक कैटलिस्ट चल रहा है तो नेचुरल बात है दिमाग में वही आएगा, लेकिन वहां पर क्लिक करना चाहिए एग्जाम में कि इट इज बिकॉज इट इज द बिहेवियर ऑफ कैटलिस्ट. क्यों? कैटलिस्ट क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड. अपने आप को कंज्यूम किए बिना ये आर वार को इंक्रीज करता है. सो MnO2 acts as catalyst फॉर दिस रिएक्शन. The added MnO2 manganese dioxide remains unchanged with respect to its mass and composition. जितना add करोगे उतना आपको वापस मिल जाएगा. Catalyst की खूबी खासियत ही ये है, उसका feature, उसका behavior ये है. थोड़ा सा एक point को repeat कर लें जो हमने पीछे
हैंडेक्स में स्टडी किया था. A catalyst is a substance that accelerates the rate of a chemical reaction without itself being transformed or consumed by the reaction. Right. अगर आपको याद हो लास्ट बात हुई थी, it provides an alternate path having lower activation energy. So एक बंदा है, उसको उस कोने में जाना है, पूरा क्रॉस करके जा रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है. लेकिन क्या हुआ? एक टनल बना दी गई, उस टनल के थ्रू आप दूसरे कोने तक पहुंच गए बड़ी आसानी से. एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया गया. बस यही कैटलिस्ट का काम है. इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ. कैसे वाला पाथ? हैविंग लोअर एक्टिवेशन. अच्छा, अब यहां पर एनसीईआरटी ने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स, कुछ टर्म्स और इंट्रोड्यूस किए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहां पर अभी मेंशन कर दिया होगा कि आइडिया है. अब ये टर्म्स क्या है? कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक प्रमोटर. अगर हम सिर्फ टर्म्स को ही एनालाइज करें, कुछ और ना भी पढ़े, तो भी समझ आ रहा है. पॉइजन किसी की एक्टिविटी को लोअर कर देना, कम कर देना. पॉइजन क्या करेगा? किसी को अधमरा कर देगा, उसकी ताकत को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. सो कई ऐसी चीजें हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करती हैं, डिक्रीज करती हैं. पॉइजन. प्रमोटर, कैटलिस्ट का काम है आरओआर को इंक्रीज करना, लेकिन कई ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो उसको और इंकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि नहीं तू और कमाल कर और आरओआर को इंक्रीज कर. सो उनको नाम दिया गया प्रमोटर का. हाँ बेटे बोलो. एन फोर क्वेश्चन 8. What are catalytic poisons and catalytic promoters? Answer: catalytic poisons are those substances which decrease the activity of a catalyst are called catalytic poisons. For example, arsenic, cobalt, etc., barium sulfate and SN Rosenmund reduction. Catalytic promoters, those substances which increase the reactivity of a catalyst are called catalytic promoters. For example, molybdenum acts as a promoter for iron catalyst in the manufacture of NH3 in Haber's process. Right. So, poison which decrease the activity of catalyst. Okay? Arsenic, cobalt, ye hote hain. Barium sulfate, sulfur in Rosenmund reduction. Ye humne use kiye the. Lekin phir yaad rakho, ye factual knowledge hoti hai. कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम अपने जज कर लें कब कौन प्रमोटर है कौन है. नहीं, वो एक्सपेरिमेंट से समझ आता है. तो इसलिए जो गिवन एग्जांपल है एनसीईआरटी के अपने एग्जांपल है, दो तीन दिन है, उन पे ध्यान दीजिएगा. एग्जाम में अगर आनी है उनमें से आनी है, नहीं तो नहीं आएगी. प्रमोटर विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, जैसे मॉलिब्डेनम की बात की गई है. आयरन कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस. तो नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस है. भी एक आगे चल के टेबल भी मैंने बुकलेट में भी दिया हुआ है, दिखाऊंगा भी आपको मैं. सेम चीज मेंशन की हुई है. नेक्स्ट बोलो. एंड फोर क्वेश्चन 9. व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हेबर्स प्रोसेस? Answer: carbon monoxide acts as a poison for the catalyst used in the manufacture of ammonia by Haber's process. Hence, it is necessary to remove it. So, carbon monoxide. अब देखो, फिर मन में आ सकता है बिल्कुल यार, ऐसे तो हमें क्या पता चलेगा कि किसको रिमूव किया है तो क्या कारण रहा होगा. बस लेकिन तभी मैंने कहा है कि जो दो दो एग्जांपल, ऐसी दो एग्जांपल है एनसीईआरटी में, दोनों मैंने कवर की हुई है. तो जो एग्जांपल फैक्चुअल वाली है एनसीईआरटी के अंदर, वो आपको आनी चाहिए. उसके लिए फिर बाद में रीजन ही चलेगा ये तो फैक्चुअल है, हम कैसे रिटेन करें. नहीं, फायदा नहीं है. हाँ, एनसीईआरटी के अलावा आप आएंगी तो कंट्रोवर्सी होती है. एनसीईआरटी में है और फिर पूछे एग्जामिनर, पूरा राइट है, उसको पूरा हक है, पूरी डिस्क्रिप्शन है उसकी. सो सीओ एक्सेस पॉइजन for catalyst used in the manufacture of ammonia by Haber's process. So ये reason है इसको remove करना जरूरी हुआ करता है. एक और देख लेते हैं ऐसे example. And four question 10. Why is it necessary to remove arsenic impurities in the manufacture of SO3 by contact process? Answer: arsenic poisons the catalyst platinum and thus it should be removed. Okay, तो ये दो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी ने दी हुई है, तो इनका आइडिया रहे आपको ये कैसे वाले हैं. कैटालिटिक पॉइजन, तो इनका काम क्या होता है? टू लोअर डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट.
इसलिए दे मस्ट बी रिमूव्ड। अच्छा अब एक और चीज छोटे पॉइंट जैसे कहा मिले, एक एग्जांपल की खास तौर पे इंडिकेशन दी गई, एस्टर हाइड्रोलिसिस इज स्लो इन द बिगिनिंग बट बिकम्स फास्ट आफ्टर सम टाइम। ऐसे ही द कलर ऑफ केमेनोफोर डिस्चार्जेस स्लोली इन द बिगिनिंग एंड इट्स रिएक्शन ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड बट फास्टर्स आफ्टर सम टाइम। अगर कभी किसी को ऐड करने से रिएक्शन स्लो हो रहा है, कैटलिस्ट था रिएक्शन स्लो हो गया, तो मींस वो पॉइजन था। किसी को ऐड करने से कैटलिस्ट है उसको इंकरेजमेंट मिल रही है रिएक्शन और फास्ट हो गया, वो प्रमोटर है। ठीक है, अच्छा अब रिएक्शन है चल रहा है, शुरू शुरू में बड़ा स्लो है, अपने अभी फास्ट हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया। ये पहचान होती है, ऐसे रिएक्शन को एक खास नाम से बुलाते हैं हम, क्या कहते हैं, ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन, सेल्फ कैटलाइज्ड रिएक्शन। क्या होता है इनमें खास बात, इनका जो अपना प्रोडक्ट है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है। सो चेक कीजिएगा, देखिए दो केसेस, एस्टर हाइड्रोलिसिस किया गया, एसिड एंड एल्कोहल बना, रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एच प्लस, हमने सिर्फ ये दो लेकर रिएक्शन किया, रिएक्शन स्लो था, शुरू में स्लो था लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा एसिड बना। अब वो जो एसिड बना इसने क्या किया, एच प्लस को प्रोवाइड कर दिया। अब ये एच प्लस क्या करेगा, जो बाकी बचा हुआ एस्टर है उसको हाइड्रोलाइज फास्ट कर देगा। सो ऐसा रिएक्शन विच इज स्लो इनिशियली बट बिकम्स फास्ट आफ्टर सम टाइम बाय इटसेल्फ, हमें कुछ और नहीं करना पड़ा, अपने आप ही फास्ट हो गया। ये पहचान है ऑटो कैटलाइज रिएक्शन की। KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलेट इलेवेंथ क्लास में ये बैलेंसिंग करवाई जाती है, हालांकि ये टाइट्रेशन भी सिलेबस का पार्ट है, जहां अगर टाइट्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन वाइवा की फॉर्म में बड़ा कॉमनली आता है। एक तो इस केस में पूछते हैं इंडिकेटर कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि इसमें जो KMnO4 है अपने आप में वो पर्पल कलर का है और ये जो Mn2+ है इट इज प्रैक्टिकली कलरलेस, तो रिएक्शन कंप्लीट इंडिकेटर जो इंडिकेट करे कि कब रिएक्शन को रोकना है, कब रिएक्शन पूरा हो गया कंप्लीट हो गया। पहले क्या था, इसका कलर आ रहा है पर्पल कलर है सॉल्यूशन में, रिएक्शन होता गया कंज्यूम होता गया, पर्पल कलर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, एक स्टेज आई जहां पर्पल कलर गायब हो गया खत्म हो गया, हम समझ गए कि भी ये टाइट्रेशन रोक देनी चाहिए। खैर चलो वो तो बात हो गई कि जब हम कहते हैं इसको इसमें सेल्फ इंडिकेटर, लेकिन अभी हमारा पर्पस कुछ हो रहा है। इसकी भी खासियत क्या थी, सेम रिएक्शन इज स्लो इनिशियली बट अपने आप ही कुछ देर में फास्ट हो गया, रीजन बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय Mn2+। तो पहले जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास तो Mn2+ नहीं थे, कैटलिस्ट नहीं था, रिएक्शन हो रहा है लेकिन बड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन जैसे Mn2+ बनना शुरू हुआ उसने क्या किया, बाकी बचे हुए अमाउंट को कैटलाइज करना शुरू कर दिया, बाकी रिएक्शन फास्ट हो गया। तो इसलिए कभी भी अगर आपको इंडिकेशन कोई ऐसी लाइन मिले कि दिस रिएक्शन इज स्लो इनिशियली बट बिकम्स फास्ट आफ्टर सम टाइम आफ्टरवर्ड्स, तो इंडिकेशन क्या है, इट इज केस ऑफ सेल्फ कैटलाइज रिएक्शन, अपना ही प्रोडक्ट अपने रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होगा। देखिए इन दो क्वेश्चंस को, हाँ बेटे एक बार क्वेश्चन 11 बोलो। N4 question 11, why is the ester hydrolysis so slow in the beginning and becomes faster after some time? Answer, the ester hydrolysis takes place as follows, RCOR dash plus okay. Ester plus water gives acid plus alcohol. The acid produced in the reaction acts as catalyst, autocatalyst. Hence, the reaction becomes faster after some time. ठीक है, so जब अपना ही product reaction को catalyze करे तो वहां पर use करते हैं word autocatalyst, self catalyst, self catalyzed reaction, ये terms use करते हैं। Next follow question. N4 question 12. The color of KMnO4
discharges slowly in the beginning during its reaction with oxalic acid, but fastens after some time. Why? Reaction bolu? Nahi. Mn2+ ions formed during the reaction acts as autocatalyst. ठीक है, तो यहां पर भी वही हुआ कि जो Mn2+ बना, प्रोडक्ट बना, उसने अपने रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो ये कुछ जैसे का एडिशनल चीजें थी जो एनसीईआरटी ने खास मेंशन की हुई थी, कैटलिस्ट जेंडर तो मैंने शो कर दिया। इसका जो एक पार्ट है हेटरोजेनियस कैटालिसिस, जिसमें सरफेस इन्वॉल्व है, वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया हुआ है। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस इस बार डिलीट कर दिया हुआ है, तो उनकी तो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये अब ये अब याद है कि कौन कैटलिस्ट होगा और क्या कंडीशन होगी, फैक्चुअल होता है ये, मैंने टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि अब ऑलरेडी पी ब्लॉक वाला टॉपिक तो हो चुका हुआ है, फर्स्ट टर्म में आ चुका हुआ, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन रिएक्शंस की। ये पोस्ट वॉल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एबर्स प्रोसेस, ये पी ब्लॉक वगैरह में था, वो तो हमने पी ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। यहाँ पर उन्होंने कंडीशंस वाइज दिया हुआ है, कौन कैटलिस्ट है, क्या कुछ है उसको लेकर, तो वो टेबल आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। हालांकि एंजाइम्स वाला पार्ट भी सिलेबस का पार्ट नहीं है इस बार, लेकिन एक डिफरेंस एंजाइम और कैटलिस्ट को लेकर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन एक कैटलिस्ट का एक बेसिक एक काम केमिस्ट्री वाले को एक आइडिया ले। सो कैटलिस्ट और एंजाइम्स, एंजाइम्स जनरली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो एंजाइम्स वगैरह हैं, जो हमने अगर याद हो आपको प्रोटीन्स का टॉपिक पढ़ा था, प्रोटीन्स काफी मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, बायो मॉलिक्यूल्स भी जब देखा था लास्ट टाइम लास्ट टर्म में, तो एंजाइम्स भी दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, वो प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के। लेकिन कैटलिस्ट आमतौर पे क्या होता है, H+ आयरन यूज हो गया, निकल यूज हो गया, सिंपल। तो ये एक डिफरेंस बेसिस, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बींग्स, कैटलिस्ट नहीं, ठीक है। कैटलिस्ट आमतौर पे काफी हद तक केसेस में इनऑर्गेनिक वाले होते हैं, वो लिविंग सिस्टम भी बनाते हैं, एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी में बनते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, कैटलिस्ट आर लेस स्पेसिफिक, मतलब ये लगा लीजिए कि नेचर ने, प्रभु ने इतना स्पेसिफिक बनाया हुआ है कि हर रिएक्शन के लिए, हर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है, उसकी एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंजाइम की, कि उसकी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंजाइम की कि उसको वही रिएक्शन कैटलाइज करना है, किसी और को नहीं। लेकिन कैटलिस्ट तो बतेरी बार देखते हो, कई रिएक्शन में हम H+ लिख रहे होते हैं, कई में हम निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम लिख रहे होते हैं, सो दे आर नो नॉट सच स्पेसिफिक, दे आर लेस स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। हम ये तो नहीं कहते कि कोई भी कैटलिस्ट हर जगह काम आएगा, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है जितनी इनकी है, दीज आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर लेस स्पेसिफिक। फिर एंजाइम्स आर एक्टिव इवन एट लोअर टेम्परेचर क्लोजर टू बॉडी, कैटलिस्ट आर जनरली एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। तो होता क्या है, कई जगह जैसे मैं एग्जाम्पल दू, मुझे अगर इथीन से इथेन बनाना है, एक सिंपल से एग्जाम्पल है, तो क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोजन ओब्लिक निकल सब विद डेल्टा, डेल्टा क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट को भी कई केसेस में हीट की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन एंजाइम तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है रूटीन उसी में काम कर रहे हैं। सो ये एंजाइम की जो वर्किंग है कैटलिस्ट से, तो जस्ट मैंने कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं, लेकिन एक क्लैरिटी हो, तो जस्ट मैंने ये टेबल इसलिए शो कर दिया हुआ। बुकलेट में टॉपिक मैंने सारे दिए हुए हैं कि चलो CBSE में नहीं तो कंपटीशन में काम आ सकते हैं इसीलिए। तो ये हमारे पास एक बड़ा मेजर पार्ट इस चैप्टर का पहला खत्म किया हमने।